हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी डॉट नेट और ये है एसईओ लास्ट मंथ का मार्च 2023 एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम एसईओ वर्ल्ड से जुड़ी हुई न्यूज़ अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स को देखेंगे जो फरवरी महीने में आई। इन सारी न्यूज़ और अनाउंसमेंट्स के ऑफिशियल लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। रेगुलर व्यूअर्स इस फैक्ट को जानते हैं लेकिन नए दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि एसईओ लास्ट मंथ एसईओ फील्ड का सबसे पुराना मंथली वीडियो सीरीज है, न्यूज़लेटर है, जो आपको हर महीने सैकड़ों ब्लॉग्स, ट्वीट्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स और लोगों को फॉलो करने से बचाती है। सारी न्यूज़ आपको 10-12 मिनट में बिना किसी फिल्टर के प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप किसी भी न्यूज़ को डिटेल में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, उसकी हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो इन वीडियोस की सीरीज़ को देख सकते हैं या फिर आप वीडियो में दिए हुए न्यूज़ के ऑफिशियल लिंक को भी चेक कर सकते हैं। SEO लास्ट मंथ के इस एपिसोड के स्पॉन्सर हैं Notix। सर, वो हमें वो अनाउंसमेंट भी करनी है ना वीडियो की, वो भी करनी है इसी में। उसका सेट का सामान आ गया जो आना था? जी सर, बिल्कुल आ गया। ओके, ठीक है। तो पहले अभी इस वीडियो को हम शूट कर लेते हैं, देन इसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करना चालू करेंगे। ओके, सो जैसा कि मैं कह रहा था, SEO लास्ट मंथ के इस एपिसोड के स्पॉन्सर हैं Notix। आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं Notix। Notix आपकी वेबसाइट के एंगेजमेंट और रेवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प करता है। Notix एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है और Notix की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। Notix से आप वेब और इन ऐप पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। आप ऑडियंस को उनके टाइम जोन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं ताकि ऐसा ना हो कि ऑडियंस को आप नोटिफिकेशन आधी रात को भेजें। और इसके अलावा आप रियल टाइम स्टैट्स, API इंटीग्रेशन और बहुत सारे फीचर्स भी पाते हैं। यू कैन ट्राई Notix विदाउट रिमूविंग योर करेंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर। एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे Notix एब्सोल्युटली फ्री है। और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको Notix से रेवेन्यू भी मिलेगा। सो ट्राई Notix टुडे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। फरवरी मंथ की फर्स्ट न्यूज है माइक्रोसॉफ्ट Bing से। Bing ने अनाउंस किया है कि वो अब से XML साइट मैप के लास्ट मॉड एट्रीब्यूट को ज्यादा सीरियसली लेंगे क्रॉलिंग में। XML साइट मैप में अधिकतर प्लगइन्स और टूल्स और CMS URL के साथ में लास्ट मॉड एट्रीब्यूट को देते हैं जो बताता है कि फला URL को लास्ट बार कब अपडेट किया गया था। लास्ट मॉड यानी कि लास्ट मॉडिफाइड डेट एंड टाइम। क्लियर? आपसे नहीं, खुद से पूछ रहा हूँ, बिकॉज मैं बड़ा होकर Bing के क्रॉलिंग वाली भसड़ को जरूर समझना चाहता हूँ। Bing के अपने सर्वे के मुताबिक 18% वेबसाइट्स लास्ट मॉड वैल्यू को सही से सेट नहीं करती हैं, ऑटोमेटिकली सेट कर देती हैं, लेकिन फिर भी वो इस पर और ज़्यादा रिलाई करेंगे। गूगल वैसे लास्ट मॉड को कोई खास भाव नहीं देता है। पहले गूगल के ऑफिशियल व्यू हुआ करते थे कि वो लास्ट मॉड को देखते भी नहीं हैं, और अब ऑफिशियल स्टैंड है कि वो लास्ट मॉड को तभी इंपॉर्टेंस देते हैं जब कोई वेबसाइट उस वैल्यू को एक्चुअली में पेज के अपडेट होने के टाइम पर सेट करती है। ऐसे ही कभी भी लेटेस्ट अपडेट के टाइम को देने वाले को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। फरवरी मंथ की दूसरी न्यूज भी 1 फरवरी से ही है, बट गूगल से है। गूगल सर्च कंसोल ने 1 फरवरी को अनाउंस किया कि उनकी वीडियो इंडेक्सिंग रिपोर्ट में अब से वीडियोस के इंप्रेशन भी दिखाए जाएंगे। एंड कमाल की बात यह है कि गूगल खुद से कह रहा है कि अगर कोई एक पेज सर्च रिजल्ट में 2 बार आता है तो उस पेज के वीडियोज के व्यूज को 2 माना जाएगा, एक नहीं। वैसे अगर आपको गूगल सर्च कंसोल की वीडियो इंडेक्सिंग रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको नहीं अभी इन्फॉर्मेशन या आपको पता है बट आप रिफ्रेशर चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो है, इसे देखिए, समझिए और क्लाइंट के वीडियोस को अपने वेब पेजेस में लगा कर पार्टी हट करिए। 6 फरवरी को गूगल ने अपने चैटबॉट Bard को अनाउंस किया, BARD Bard। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने एक ब्लॉग के जरिए लैम्डा पर बेस्ड चैटबॉट Bard के बारे में बताया। Bard की खासियत क्या है या ये ChatGPT से कैसे अलग है, ये इस ब्लॉग पोस्ट की इस लाइन से ही क्लियर हो जाता है। Bard seeks to combine the breadth of words knowledge with power, intelligence and creativity of our large language models। यानी कि Bard ChatGPT की तरह सिर्फ GPT-3 टाइप के लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ही यूज नहीं करता है बल्कि दुनिया भर की नॉलेज को भी यूज करता है। और ये नॉलेज कहां से आती है Bard के पास? गूगल की नॉलेज वॉल्ट से। और इस नॉलेज वॉल्ट के बारे में आपको कौन बताएगा? हमारा ये वाला वीडियो। वैसे Bard अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, इसे गूगल ने अभी कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए ही ओपन किया है और कुछ टाइम के बाद ये सर्च में लॉन्च किया जाएगा। गूगल Bing की तरह एक अधकचरा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा। Bing ने अपना चैटबॉट सर्च में लॉन्च जरूर कर दिया है लेकिन ट्विटर और कुछ ब्लॉग पोस्ट के अलावा, कुछ ओवर एक्साइटेड वीडियोज के अलावा कहीं पर भी शोर आपको दिख रहा है?
गन्ने के रस की रेड़ी पर जूस का ग्लास पकड़े हुए आपको सत्या नडेला की फोटो दिखाई दे रही है। किसी गुड मॉर्निंग वाले फूफा या ताया ने आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा है कि गूगल नहीं बिंग यूज करो, बिंग के फलाना फायदे हैं। जब तक ये नहीं होता है तब तक गूगल ही चल रहा है। बार्ड वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा जो फर्क है चैट जीपीटी और बार्ड के बीच का या बिंग के बीच का। 7 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिंग सर्च इंजन का AI पावर्ड अवतार लॉन्च कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट बिंग का ये AI शुदा वर्जन सर्च रिजल्ट्स पेज से सीधे चैट पर जाने का ऑप्शन देता है। चैट सर्च, सर्च चैट, आप खेल सकते हैं, दिन भर खेल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक बिंग का ये चैट फीचर OpenAI की टेक्नोलॉजी को ही यूज कर रहा है जिसे चैट GPT बनाया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि ये GPT 3.5 को यूज कर रहा है, GPT 3 को यूज कर रहा है या फिर GPT 4 को। ऐसा लग रहा है कि OpenAI ने कोई नया ही मॉडल ट्रेन किया है स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट के लिए जिसे नाम दिया है Prometheus। नॉट सरप्राइजिंग दो, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन दिए हैं, $10 बिलियन में मॉडल नहीं रैम भी मिल जाएगा। बिंग का नया ये जो वर्जन है वैसे भी अभी बीटा में है, लेकिन आप वेट लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट धीरे धीरे काफी सारे लोगों को इसका एक्सेस दे रहा है, ओपन कर रहा है, तो आपको भी एक्सेस मिल जाएगा। बिंग के इस नए वर्जन के बारे में हमारा एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है जो हमने अनाउंसमेंट के ठीक बाद किया था, इसे आप देख सकते हैं। वैसे चैट GPT और बिंग के आंसर्स में काफी डिफरेंस हैं। अगर आपको इन दोनों के रिप्लाईज में डिफरेंस को देखना है, उन्हें एनालाइज करना है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तभी वीडियो करेंगे। प्रबंध करते हैं कुछ इस चीज का भी, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। 8 फरवरी को गूगल ने मल्टी सर्च नियर मी फीचर को ग्लोबली मोबाइल्स में स्मार्टफोन्स के लिए लॉन्च कर दिया। गूगल का मल्टी सर्च फंक्शन, मल्टी सर्च नियर मी फंक्शन स्मार्टफोन्स में गूगल लेंस एप्लीकेशन के जरिए यूज किया जा सकता है, एंड्रॉइड और आईफोन्स दोनों में। आपको बस फोटो लेनी है गूगल लेंस में और फिर टाइप करना है नियर मी और बस आसपास के स्टोर में, शॉप में, दुकान में, मकान में, जहां पर भी वो आइटम मिलता होगा आपको उसके बारे में गूगल बता देगा, जल्दी एक्यूरेटली बताएगा, गेस नहीं करेगा। 10 फरवरी को गूगल ने लाइट हाउस का 10th वर्जन अनाउंस किया। इस 10th वर्जन में एक बड़ा चेंज है स्कोरिंग मेथड का। अभी तक TTI मेट्रिक जो हुआ करता था, यानी कि टाइम टू इंटरेक्टिव, उसको गूगल ने अब हटा दिया है और इसके पॉइंट्स को CLS यानी कि क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट में मिला दिया है। सो अभी तक टाइम टू इंटरेक्टिव का स्कोर हुआ करता था, जो वेटेज होता था उसका 10% होता था, और क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का स्कोर हुआ करता था 15%। बट अब से टाइम टू इंटरेक्टिव नहीं रहेगा और क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का टोटल वेट हो जाएगा 10+15, 25%। 14 फरवरी को गूगल ने अनाउंस किया कि प्राइवेसी सैंडबॉक्स का बीटा प्रोग्राम एंड्रॉइड डेवलपर्स के लिए ओपन है। ये प्राइवेसी सैंडबॉक्स फीचर डेवलपर्स को मौका देगा कि वो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज के डेटा को एक्सेस किए बिना आपको ट्रैक करके टारगेटेड एड्स दिखा सकें। गूगल ने काफी पहले अनाउंस किया था कि वो थर्ड पार्टी कुकीज को जल्दी ही सपोर्ट करना बंद कर देंगे, लेकिन प्राइवेसी कुमार बनने की जो ये रेस है उनकी एप्पल के साथ में चल रही है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि गूगल का पूरा धंधा ही गूगल एनालिटिक्स की थर्ड पार्टी कुकी के ट्रैकिंग के बेस पर टिका हुआ है। सो गूगल कभी फ्लेज को लेके आता है, कभी टॉपिक्स को लेके आता है, अब ये नया प्राइवेसी सैंडबॉक्स आ गया। ये प्राइवेसी सैंडबॉक्स कैसे काम करता है ये दो शब्दों में बता देता हूं मैं, प्रिंसिपल वाले दो शब्द नहीं है, जल्दी निपट जाएंगे। इसमें आपके फोन की इंटरनेट एक्टिविटी को ट्रैक जरूर किया जाएगा, लेकिन ये ट्रैकिंग वाला जो डेटा है वो आपके स्मार्टफोन से बाहर नहीं जाएगा, ना गूगल लेगा ना ही डेवलपर के पास जाएगा, उनको सिर्फ इस ट्रैक्ड इंफॉर्मेशन की इनसाइट मिलेगी। भैंस नहीं लेंगे वो, दूध लेंगे सिर्फ। नो नीड टू से कि ये सारा जुगाड़ सिर्फ एंड्रॉइड पर ही काम करेगा, एप्पल पर काम नहीं करेगा, वो ऑलरेडी एप्स की ट्रैकिंग को बंद कर चुके हैं, उसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं हमेशा। 15 फरवरी को गूगल ने बैकलिंक बिल्डर्स के साथ में स्लैप डे मनाया। उन्होंने बैकलिंक्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिस गाइड को पब्लिश किया। बेस्ट प्रैक्टिस गाइड का रियल मीनिंग है कि गूगल बता रहा है इस डॉक्यूमेंट से कि क्या क्या बदमोशी नहीं करनी है, वरना चोरी की स्प्लेंडर यानी कि वेबसाइट जब्त कर ली जाएगी। इस गाइड में कुछ पुरानी बातें हैं, जैसे कि लिंक्स का HRF टैग में होना जरूरी है, हम सब जानते हैं बिना HRF टैग के लिंक्स को गूगल क्रॉल नहीं कर सकता है, और कुछ नई चीजें भी हैं, जैसे आदर्श एंकर टेक्स्ट का एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है। इस गाइड में गूगल ये भी बताता है कि जब आप किसी इमेज में कोई लिंक लगाते हैं तो ऐसी लिंक्स का एंकर टेक्स्ट उस इमेज का ऑल टेक्स्ट होता है। जैसा कि मैंने कई वीडियोस में कहा है, कोर्सेज में ही बताया है, हमेशा बोलता रहता हूं मैं कि इंटरनल लिंक्स में रीड मोर, फाइंड मोर, क्लिक हियर, इस टाइप के एंकर टेक्स्ट को यूज नहीं करना चाहिए, बेकार होते हैं। यही सेम मैसेज गूगल ने भी इस गाइड में दिया है। आपको लिंक्स का एंकर टेक्स्ट बहुत लंबा नहीं रखना है, कॉन्साइज रखना है, टू द पॉइंट रखना है, कीप इट सिंपल, कीप इट एक्यूरेट, सही रहेगा। इसके अलावा गूगल आपको बहुत सारे लिंक्स एकदम पास पास रखने के लिए एक ही पैराग्राफ में मना कर रहा है। एग्जाम्पल कुछ ये रहा, इस पूरे डॉक्यूमेंट को आपको खुद से पढ़ना चाहिए और इसे समझना चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ किसी एक लिंक को पढ़ना चाहते हैं तो यही पेज होना चाहिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। 16 फरवरी को YouTube की करंट CEO सुजैन वॉचिस्की ने रिजाइन कर दिया। बहुत
टफ नेम है मेरे लिए। सुजैन 25 साल से गूगल में काम कर रही थी और 9 साल से यूट्यूब को लीड कर रही थी। ये एक डायरेक्ट सर्च या एसईओ रिलेटेड न्यूज नहीं है, लेकिन बड़ी कंपनीज के सीईओज का पर्सनल स्टाइल और उनका टेस्ट कंपनीज के काम करने के तरीके उसके प्रोडक्ट और फीचर्स में दिखाई देता है। तो यूट्यूब का जो मार्केट में कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में जो डोमिनेंस है उसमें सुजैन का भी काफी हाथ रहा है। और अब जो सीईओ होंगे नील मोहन वो क्या नए फीचर्स और फंक्शन लेके आएंगे ये हम देखेंगे। 19 फरवरी को मेटा ने अनाउंस किया कि वो भी ट्विटर की तरह ब्लू टिक को बेचेंगे। $12 पर मंथ की फीस होगी और ये फैसिलिटी अभी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लॉन्च की जा रही है, बट धीरे धीरे सारी कंट्रीज में आएंगी क्योंकि पैसा तो पैसा होता है, करेंसी चाहे जो कोई हो, गांधी बने हो या कोई और बना हो। ट्विटर के ब्लू टिक का मेरे को कोई यूज नहीं समझ में आया, लेकिन फेसबुक के ब्लू टिक का एक फायदा जरूर है। अनाउंसमेंट के हिसाब से जो पेड सर्विस लेने वाले ब्लू टिक धारी सज्जन होंगे उन्हें कस्टमर सपोर्ट का डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। और अगर आपने कभी भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एड रन किए हैं, आप उस पर अपने बिजनेस को प्रमोट करें, तो आपको पता है कि फेसबुक के रियल सपोर्ट की वैल्यू क्या है। मे बी फेसबुक का ब्लू टिक प्रोग्राम काफी अच्छी रेवेन्यू खींच ले सिर्फ इस एक पॉइंट के जरिए। अब वैसे सही बिजनेस प्लान है, पहले आप बड़ी कंपनी बनाइए, फिर सपोर्ट के लिए यूजर को तरसाइए और फिर सपोर्ट देने के नाम पर पैसा ले लीजिए। 22 फरवरी को गूगल ने प्रोडक्ट रिव्यू सिस्टम के फरवरी अपडेट को रोल आउट करना शुरू कर दिया। इस अपडेट में क्या नया है इस बारे में गूगल ने अलग से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन आप प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट के बारे में हमारे पहले से मौजूद इन वीडियोस को देख के समझ सकते हैं। इन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। 22 फरवरी को गूगल सर्च कंसोल ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के कुछ नए फीचर्स को अनाउंस किया। अब आप वेरीफाइड और डेलीगेटेड ओनर्स को इजीली पहचान सकते हैं, जिन्हें अब आप ओनर नहीं रखना चाहते उन्हें इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसका ऑप्शन आपको मिलेगा। अभी तक उसके लिए आपको उनके वेरिफिकेशन वाले टोकन को हटाना पड़ता था। आप डेलीगेटेड ओनर्स के एक्सेस लेवल को चेंज कर सकते हैं, करंट ओनर्स के वेरिफिकेशन टोकन्स को एक साथ देख सकते हैं, किसने किस किस मेथड से वेरीफाई कर रखी प्रॉपर्टी और ओनरशिप की इनफैक्ट पूरी हिस्ट्री को देख सकते हैं। और इसी के साथ इस महीने की सर्च न्यूज यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मुझसे कोई न्यूज रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप महीने के बीच में भी किसी भी न्यूज की तरफ मेरा फोकस ला सकते हैं मुझे ट्विटर पर फॉलो करके, टैग करके, ट्वीट करके। सो आप इन न्यूज को डिटेल से पढ़िए, समझिए, और मैं जाता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सेट बनाना है, शूट करना है, और फिर अगले वीडियो में आपको दिखाता हूं 2 दिनों में एक नया खास अनाउंसमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम अमित तिवारी.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।